हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे नए ब्लॉग में। तो हम लोग दिखाए थे पहले पार्ट वन, जिसमें हम लोग बिहार से रक्सौल बॉर्डर तक आए थे, नेपाल के बॉर्डर तक। वहां से दिखाए थे वीडियो, वहां से अब अंदर की तरफ वीडियो दिखा रहे हैं हम। नेपाल में घुस चुके हैं हम लोग, तो अब नेपाल का आप लोग को हम दिखाएँगे नज़ारा, कैसा नेपाल है, नेपाल की पहाड़ी वहाड़ी सबके सब दिखाएँगे हम। बस ये अभी नेपाल बॉर्डर हिल के और अंदर की तरफ आए हैं लोग। ये बस स्टैंड है, यहाँ से लोग गाड़ी पकड़ के जाते हैं लोग, और सब टाटा की गाड़ी है। और इधर से देखिए थोड़ा इधर तराई क्षेत्र है, तो इतना बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतना घना मतलब दिखाई दे रहा है। ये देखिए घंटाघर सामने दिखाई दे रहा है, नेपाल का घंटाघर आप लोग को दिखा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जा रहे हैं। और देखिए हम आप लोग को अभी इस वीडियो में हम दिखाएँगे जितनी भी पहाड़ियाँ नज़र आएगी वो सबको, जो आप लोग को अपकमिंग में दिखाए थे वीडियो में हम, वो सारी पहाड़ियाँ इस वीडियो में, उससे भी बढ़िया बढ़िया पहाड़ियाँ है, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए नेपाल का घंटाघर है, जो आप लोग बॉर्डर हिलेंगे तो बॉर्डर हिलने के शायद 2-3 किलोमीटर बाद ही ये घंटाघर पड़ता है। तो आप लोग आइए तो घंटाघर घूम के जाइए। देखिए घंटाघर अभी शायद मरम्मत की काम चल रही है इसका, तो आप लोग देखिए इधर से थोड़ा, अब यहाँ पर तो गाड़ी रुक नहीं सकते हम लोग, बट इसी से थोड़ा स्लो करके हम दिखा रहे हैं। अभी काम चल रहा है घंटाघर का, ये देखिए रिक्शा, हवा हवाई गाड़ियाँ, ये सब इधर तराई क्षेत्र है ना, पहाड़ की तरफ में तो ये गाड़ियाँ नहीं दिखेगी। ये देखिए इधर से ये एम्बुलेंस जा रही है हम लोग के आगे से, ये देखिए मतलब अभी पहाड़ का कोई अंश अभी दिखाई नहीं दिया है। ये देखिए हम लोग इधर आ गए, अभी हेटौड़ा नहीं पहुँचे हैं, ये जंगल यहाँ से चालू हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है सावधान, ये शायद कुछ दिन पहले इस जंगल में आग लगा था। देखिए पूरी जंगल जल चुकी है। और देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ सामने शायद एक पड़ेगा गैस का एजेंसी पड़ता है, वहीं दिखेगा साइड में। और देखिए लोग हम लोग जा रहे हैं, अभी पहाड़ का कुछ भी भाग अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ये नेपाल का झंडा दिखाई दे रहा है आप लोग को जो सामने। और ये नेपाल की सब गाड़ियाँ जा रही है, देखिए ये देखिए नेपाल का घर, ये तराई क्षेत्र है, तब यहाँ पे छोटे छोटे घर है जो आप लोग को दिखा रहे हैं हम। और यहाँ पे पहाड़ वाड़ा भी नहीं है, पहाड़ वाड़ का सीन आप लोग को दिखाएंगे हम। अब इस वीडियो के अंत में भी पार्ट 3 हम डालेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, तो अभी सोचे कि 2 हिस्से में बांट दें इसको। कम से कम 35-40 मिनट का वीडियो हो गया था, इसलिए हम इस वीडियो को शॉर्ट कर दिए, थोड़ा आधा कर दिए, बोले कि पार्ट 3 में हम डाल देंगे। और वहाँ पे नेपाल जाएंगे लो तो हम वहाँ पे घूमेंगे लो, घूम के देखेंगे लो वहाँ के मंदिर, वहाँ की सुंदरा है एक जगह जहाँ से ऊपर चढ़ने पर पूरा नेपाल दिखता है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा पहाड़ अब दिखना चालू हो गया है। अभी हम लोग तराई क्षेत्र से गुजर रहे हैं, देखिए रोड का काम चल रहा है साइड से, ये देखिए रोड बन रही है यहाँ पे। और इधर से देखिए ये सब जंगल है जहाँ पे काम हो रहा है, देखिए ये गांव है, मतलब जिसे हम लोग का नहीं होता है गांव, इसी तरह से ये गांव है, ये अभी शहर नहीं है, गांव है नेपाल का। देखिए गांव का, अब यहाँ से पहाड़े दिखनी शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ से अभी मौसम, ये सबसे नेपाल का सबसे स्वच्छ राज्य है हेटौड़ा जिसका नाम है। यहाँ से मतलब लेफ्ट लीजिएगा तो यहाँ से जो बसें आती है बड़ी बड़ी बसें, यहीं से मतलब इधर लेफ्ट होकर चली जाती है। और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जो पहाड़ पे चढ़ने लायक होती है, मतलब चढ़ने का सब चढ़ जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का अलाउ नहीं है ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए, छोटी गाड़ियाँ ही जा सकती है। हेटौड़ा से ही कट के बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती है नीचे के रास्ते, और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है छोटी गाड़ियाँ होती है वो पहाड़ के रास्ते जाती है। और बड़ी गाड़ियाँ देखिए बड़ी गाड़ियाँ सब नीचे से गुजर के चली जाएगी। अब हम लोग देखिए अब पहाड़ दिखना चालू हो गया एकदम, देखिए ये तो अभी शुरुआत है, इसके आगे अभी देखिए होता है क्या, डायलॉग मार रहा हूँ। और ये देखिए अभी ये पहाड़ का नीचे का भाग है, अभी तो ऐसा ऐसा चढ़ाई आएगा, ऐसा ऐसा मोड़ आएगा कि लगेगा कि उतर जाए हम,
गाड़ी पर से ही, क्योंकि बहुत डरावना सीन लगता है। अगर ज़रा सा भी गलती हुई ड्राइवर साहब से, मेरे पार्टनर से, तो हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे। ये देखिए डैम है, जो आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे हम साइड से, इधर से जो आप लोग बहुत दूर से दिखा, पता ना अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखिए पहाड़ कितना, आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देगा लेकिन क्या बताएं, फ़ोन से जूम, जो फ़ोन का जूमिंग है वो थोड़ा उसको कम कर दे रहा है अपना। तो डैम, हाँ देखिए ये डैम नेपाल का जो डैम है, देखिए यहीं से बिजली बनाई जाती है। और यहाँ से देखिए अब नहीं दिखाई देगा, बट जस्ट देखिए थोड़ा बहुत मतलब सीधा रास्ता मिला है हम लोग को, जिसमें गाड़ियाँ तेज़ी से जा सकती है। इसके आगे अब ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा कि हम लोग तेज़ी से जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़े ही पहाड़ होगी तो वहाँ पर बस गाड़ी एक नंबर या दो नंबर में ही चल सकती है। तीन चार नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हाँ तीन चार नंबर में गाड़ियाँ चले। अभी ये थोड़ा खाली एरिया है, खाली एरिया का पहाड़ का एरिया नहीं है। अब कुछ देर बाद पहाड़ फिर मिलेगा तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि हाँ देखिए मौसम बहुत ख़राब है, बारिश भी आ सकता है, धूप भी निकल रहा है, कब कैसा। देखिए यहाँ पे हम लोग रुकते खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा के तो मेरे पार्टनर और सपना चेक कर रहे हैं कितना पैसा है कितना नहीं है। हम लोग खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा लिए तब निकलेंगे। और देखिए आगे वीडियो में, अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं खाना वाना खा के। तो देखिए जंगल इधर शायद हरियाली है, लेकिन हटौड़ा से पीछे था जो देखिए बारिश हुआ है, देखिए रोड गीला हुआ है, बारिश अभी इधर हुआ है, अभी हो रहा है और हम लोग थोड़ा पीछे हैं तो हम लोग को बारिश नहीं भेटाया है। देखिए रोड पूरा गीला हुआ है और जो साइड में दिख रहा है ना, ये शायद नदी है जो अभी इसमें पानी नहीं बह रहा है। और मेरे मनीष भाई है जो बता रहे थे कि बरसात के टाइम में पहले बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरा हुआ रहता था, अभी सूखा हुआ है शायद, अब तो ये सब नदियाँ पहले भरी रहती है। इधर से कहाँ से कोई मतलब नदियाँ, शायद ये पहाड़ से ही पानी सब इतना निकलता है झरना के टाइप से। एक बार शायद सनू भाई और मनीष भाई आए थे तो वीडियो दिखाए थे लोग, झरना जैसे पानी गिरता है ऊपर से पहाड़ से वैसे ही गिर रहा था, पता ना हम लोग को देखने को मिलेगा कि नहीं अभी इस टाइम, बट कोशिश करेंगे कहीं से दिखने को मिल जाए तो आप लोगों को हम दिखा दें। अभी देखिए नज़ारा कैसा लग रहा है, ये थोड़ा स्लो जा रहे हैं लोग हम वीडियो बनाने के चक्कर में। देखिए अब कहें तो पार्टनर मेरे गाड़ी को रेस कर दिए। ये देखिए अब नज़ारा क्या नज़ारा है, देखिए पहाड़ ये, अब थोड़ा टर्निंग बहुत ज़्यादा ना आता है। ये देखिए आगे सब दिखा रहे हैं, ओह देखिए तो ये ऐसा लग रहा है कि आसमान में पूरा सटा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो, ये हम लोग कुछ चढ़े नहीं है अभी, अभी तो शुरुआत है। अभी जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर जो घाटा में पहाड़ समाया है उसको पार, उससे भी ऊपर अभी हम लोग को जाना है। अभी तो कुछ भी नहीं चढ़ा, अभी तो इतना बराबर नज़र दिखाई दे रहा है ना कि हाँ इतना बराबर ज़मीन है, बट ऊपर चढ़ेंगे तो केवल बस रास्ता ही है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, घर और कुछ भी नहीं है कि आप लोग मतलब कहीं है, कुछ दूर चलिएगा तो मतलब मिलेगा घर, बट लेकिन पहाड़ को इतना पतला पतला काट कर के रास्ता बना है, उसी में कहीं पे पानी गिरा रहता है तो गाड़ी का चक्का भी स्लिप करता है। हम लोग का छोटा गाड़ी है सैलरी, बड़ा कमांडर गाड़ी रहता तो कोई टेंशन नहीं रहता, इसलिए हम लोग का थोड़ा भगवान बारिश ना करे, नहीं तो बारिश होगा तो फिर हम लोग का बहुत गजन हो जाएगा। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, हटौड़ा काठमांडू, यहीं से आगे से जाके शायद राइट लेना पड़ता था। देखिए रास्ता ऊपर का ख़राब है तो हम लोग नीचे की तरफ से उतर के आ रहे हैं लोग, ये अगर पानी हुआ होता तो ये रास्ता फिर तो गजन ही हो जाता, बट अभी पानी नहीं है। ये देखिए ऊपर हम लोग, देखिए रास्ता ये कितना मतलब उरेब हो गया है रास्ता, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपकी जान जा सकती है, आपकी तो जाएगी ही, साथ में जितने लोग हैं वो भी जा सकते हैं, बट जो ड्राइवर साहब है वो तो सावधानी बरत के ही चलाते हैं, वो पहली बार नहीं आए हैं गाड़ी लेके, बहुत बार गाड़ी लेके आए हैं। ये देखिए ये जो पहाड़े आगे दिख रही है ना, मतलब आप लोग को तो थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि इतना हाइट नहीं दिखाई देता,
बट आप अपनी आंखों से देखते तो आप लोग को यकीन होता कि हाँ कितनी ऊंची ऊंची पहाड़े हैं। हॉलीवुड की फिल्म में जैसे दिखाया जाता है कि हाँ ये जंगल ये पहाड़े, उसी तरह सेम टू सेम ये है। वह हम तो बस मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं। देखिए ऊपर देखिए जूम कर, देखिए वो देखिए बुझा रहा कि पहाड़ में से ही मतलब नहीं होता बाफ की तरह फेंक रहा है एकदम। देखिए वो जूम किए हैं हम, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है एकदम तेज़ी से। देखिए वो पहाड़ कितनी मतलब क्या बताए, सुंदर है पर डरावना भी है। देखिए थोड़ा जूम कर रहे हैं हम, गाड़ी रेस हिल गई। अब देखिए ये आपको बताए ना कि थोड़ा बहुत मतलब रास्ते में कहीं मिलेगा घर, तो यही है गांव। ये छोटा छोटा घर मतलब गांव की मतलब 10 20 40 50 घर मिल जाती है तो एक गांव के रूप हो जाता है। हम लोग की तरह नहीं है कि मतलब कुछ लंबा एरिया में रहेगा तो गांव कहलाएगा, नहीं। ये अगर 10 20 घर रास्ते में मिल जाए तो उसको गांव मतलब घोषित कर दिया जाता है। ये देखिए फिर से एक और पहाड़ मिल रहा है, देखिए उसको थोड़ा हम जूम कर रहे हैं। ये देखिए दर्रा की तरह है, दो पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ते को दर्रा कहते हैं, उसी तरह ये रास्ता बना है। अब ये देखिए हम लोग थोड़ा नीचे उतरे हैं और फिर इससे फिर ऊपर चढ़ाई होगा, फिर ऊपर चढ़ेंगे। रास्ता बहुत उरेब है, काट काट कर कैसे कैसे बना है। ये देखिए अब हम लोग तो बाहर निकल के वीडियो को शूट कर नहीं सकते, गाड़ी के सामने से जो चीज़ दिख रहा है। देखिए दुकान वकान सब है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात है कि आप किसी से भी मतलब हिंदी में बात करेंगे तो वो लोग आपके भाषा समझ जाएंगे, ये नहीं कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो वो लोग मतलब नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे। लेकिन आगे ये तराई वाले लोग आपको भोजपुरी समझ जाएंगे, बट लेकिन आप नेपाल काठमांडू में जाते हैं और पहाड़ी पे कहीं भी जाते हैं तो आप हिंदी बोलिएगा, कुछ भी कहिएगा, मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं मुझे खाना खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप लोग को हिंदी में वो मिल जाए। बट आप जब भी आइए नेपाल घूमने के लिए तो जो इंडियन पैसा है कुछ उसको एक्सचेंज कर ले, क्योंकि इधर तराई क्षेत्र में तो आप इंडियन पैसा देके खाना वाना खा सकते हैं, बट ऊपर पहाड़ी पे आपको चाय हो कुछ भी खाना हो या पीना कुछ भी करना हो तो आपको नेपाली पैसा ही लगता है, क्योंकि वहाँ पे लोग मतलब नहीं लेते हैं इंडियन मतलब पैसा। लेते हैं तो आप लोग मतलब जो भी पैसा लाए 100 200 500 हज़ार का लेकर मत आए, यहाँ पे 500 हज़ार का लोग नोट नहीं लेते हैं, लेंगे वही लोग जो इंडियन लोग होंगे वो लोग ले सकते हैं। बट आपको कोई अगर अर्जेंटी काम पड़ जाए तो आप चाहिएगा, जैसे कि इंडिया में हम किसी पैसे को कोई भी सामान खरीद लेते हैं तो वैसा यहाँ पे नहीं चलता है। और ये मत सोचिएगा कि पेफोन गूगल पे इंडिया में चलता है तो यहाँ पर भी है, वो पैसा यहाँ से नहीं आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ का जो है वो अलग है। बट आप आएँ तो 10 20 50 100 ऐसे ही इंडियन करेंसी लेके आएँ, और कुछ पैसा हो तो अगर एक्सचेंज कर ले बॉर्डर पे ही या किसी दोस्त या मित्र से। बट घूमने आए तो नेपाल आए, नज़दीक है आपके इंडिया से और यहाँ पे कोई वीज़ा वीज़ा नहीं लगता है, आप घूमना चाहते हैं तो बढ़िया से घूम सकते हैं। अब भी ये थोड़ा पहाड़ी कम हुआ है, ये शायद एक मंदिर है, पता ना क्या नाम है इनका। ये देखिए भैंस जा रही है कप में लाट के, शिवम सीमेंट। हम लोग के तरफ कुछ अलग है, बिरला है, बिरला सीमेंट, यह है शिवम सीमेंट। ये देखिए नज़ारा, दोनों तरफ से पहाड़ के काट के और बीचों बीच से बना है। ये देखिए शायद में जो नाले की तरफ दिख रहा है वो पानी उसमें जाने के लिए बना है, वो पहाड़ से जो पानी आती है। देखिए शायद किसी का नारा लग रहा है, शायद रैली निकला है जो जा रहे हैं लोग पहाड़ से ऊपर। देखिए कि नदी है, पानी थोड़ा सा पानी है, देखिए सूख चुकी है नदी पूरा। और ऊपर जाएंगे लोग पूरी पहाड़ी के ऊपर तो दिखेगा। ये देखिए शायद कोई होटल है, ये गांव की तरह देखिए गांव पड़ा है फिर रास्ते में। ये देखिए ये छोटा सा ही गांव है, ये शायद उस होटल ही है, स्कूल नहीं है, होटल है, सॉरी होटल नहीं है। यहाँ पे स्कूल मतलब बहुत दूर दूर यहाँ पे होता है। एक बार हम लोग आए थे नेपाल ही तो इधर से जा रहे थे लोग,
ये फिर पहाड़ दिखना चालू हो गया। देखिए ऊपर की तरफ फिर चढ़ाई मिलेगा हम लोग को, फिर से चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अभी तो शायद हम बता रहे थे कि आ रहे थे हम लोग नेपाल से, तो बहुत सारे लड़के थे छोटे छोटे जो मतलब पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उन लोग को लेट हो गया था। तो शायद गाड़ी में तो वहाँ से जो काठमांडू से चलती है गाड़ी तो पूरा फुल सीटिंग करके चलती है, ऊपर खाली था। तो तीन या दो लड़के थे और एक लड़की थी, वो लोग ऊपर छजनी पे बैठ के वहाँ से मतलब 5-6 किलोमीटर के आसपास वो लोग आए और एक स्कूल पड़ा वहाँ पे वो लोग उतरे। फिर हम लोग देखे कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग के यहाँ तो नज़दीकी गाँव गाँव में है तो हम लोग इतना नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, बट यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं स्कूल जाने के लिए। ये देखिए अब चढ़ाई चालू हो गया फिर से। ये फिर हम लोग देखिए नारियल बेचा जा रहा है यहाँ पे, ये जंगल फिर से चालू हो गया। फिर से फिर ऊंचाई पे जाना पड़ेगा फिर से। अब ये देखिए पहाड़े, कुछ लोकेशन दिया गया है यहाँ पे, अगर आप लोग को भुलाए हैं तो आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं। ये चट्टाने देखिए इधर के साइड से जूम करके हम दिखा रहे हैं। बिजली की तारें भी गई है, बहुत ज़्यादा फेस में गई है, वाईफाई की भी केबल गई बिछी हुई है। मौसम अभी देखिए उधर थोड़ा मौसम कैसा था, अब देखिए सामने की तरफ मौसम कैसा हो गया। और इधर देखिए और कुछ ऊपर जाएंगे और पहाड़ी पे तो वहाँ पे कभी बारिश मिलेगा, फिर कहीं धूप निकलेगा, कहीं एकदम बादल छाया रहेगा। अभी मौसम देखिए ऊपर पहाड़ी की तरफ दिख रहा है ना बादल पूरा, वहाँ पे हम लोग उधर से ही जाना है गुजर के हम लोग को रास्ता। वो तो नॉर्मल पहाड़ी है। अभी देखिए सामने की तरफ देखिए नज़ारा कितना, इधर देखिए उधर बादल है, इधर देखिए धूप है, उस साइड देखिए बादल दिखाई दे रहा है, इधर कितना साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी उसके नीचे देखिए कैसा मौसम है, उसके ऊपर कैसा मौसम है, ये सब पहाड़ के चलते होता है। देखिए एक पुल पड़ा हम लोग को जो अभी पार करेंगे पुल को हम लोग। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, अभी पार्ट 1 पहले डाले थे, पार्ट 2 है, पार्ट 3 हम डालेंगे, फिर पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके 3-4 वीडियो और डालेंगे जिसमें नेपाल का पूरा भ्रमण होगा। ये हमारे प्रिय मित्र सोनू पार्टनर और ये मनीष भाई और उनके मामा हैं, और साइड से थोड़ा हम दिख देंगे। आप इसी तरह बन रहे वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को थोड़ा प्यार दुलार चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 में, बन रहेगा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।